प्रधानमंत्री मोदी के उस हमले से जो बगैर नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी पर किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लंदन से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। नहीं पहुंचा सक लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर करारा हमला किया। कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूंगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है।